Hello students, welcome back to Rci online class, class 6, subject mathematics. We are continuing to discuss chapter 3. Today we are discussing exercise 3.7, question number 9. Find the smallest 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 30. हमें स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर फाइंड करना है जो 18, 24 और 32 से डिविजिबल। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले ऑलवेज रिमेंबर जिन नंबरों का हमें डिविजिबल तो उन नंबरों का सबसे पहले एलसीएम फाइंड करो। जैसे 18, 24 और 32 से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, इट मीन्स 18, 24 और 32 का फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम। इसका सोल्यूशन 18 24, 32 और एलसीएम फाइंड करना हमने इससे पहले क्वेश्चन हमें काफ़ी क्वेश्चन अटेंड किए, एलसीएम फाइंड करना आपको आते ही 18, 24 और 32 को एक साथ राइट कर लेंगे हम, 2 से डिविजिबल है, 9 टाइम्स 12 टाइम्स 16 टाइम्स। 18 में 2 का डिवाइड किया 9, 24 में 2 का डिवाइड किया 12, 32 में 2 का डिवाइड किया 16। अगेन 2 से डिविजिबल है, 9 में तो 2 का डिवाइड जाएगा, 9 को एज इट इज राइट कर देंगे, 12 में 2 का डिवाइड करेंगे 6, 16 में 2 का डिवाइड करेंगे 8। अगेन 2 से डिविजिबल है, 6 है ना, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 6 में 2 का डिवाइड 3 टाइम्स, 8 में 2 का डिवाइड 4 टाइम्स। अगेन 2 से डिविजिबल है 2, 9 एज इट इज, 3 एज इट इज, 4 में 2 का डिवाइड जाएगा 2 टाइम्स। अगेन आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, ये 9, 3 एंड ये 1, अब ये 3 जा 9 एंड 1, अगेन 3 से 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1। वी नो दैट हम जब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक हमारे पास 1 नया है। अब देखिए एलसीएम हमारे पास 18, 24 और 32 का जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या आएगा, देखिए एलसीएम क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 मल्टीप्लाई 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स 2 है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 मल्टीप्लाई 3 96 मल्टीप्लाई 3 रफ में कर लेते हैं, 96 मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 1 कैरी 9 3 जा 27 प्लस 1 28। एलसीएम क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर ऑल डिजिट्स का 280। अब देखिए एलसीएम हमारे पास क्या है 280, बट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को वापस रीड करते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर अगर हम बनाए फोर डिजिट का यूज करके सबसे छोटा नंबर बनाए तो सेकंड प्लेस पर हमारे पास आपको पता है 0 फिक्स होता है, फर्स्ट प्लेस पर 1 और फोर डिजिट हमें राइट कर दी 1, 2, बाकी दो डिजिट है वो। तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर हमारे पास 1000 होगा, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट। छोटी क्लास में आपने बनाए होंगे 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट मैक्सिमम ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट ये सब बनाए होंगे, तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर हमारे पास 1000 है। अब देखिए 1000 में हम 288 जो एलसीएम आया उसका हम डिवाइड करें, 1000 में 288 का डिवाइड करके देखिए क्या, तो 3 टाइम्स जा सकता है, 3 से डिवाइड किए 288 को 3 से मल्टीप्लाई करके चेक किया हमने, 8 3 जो 24 2 कैरी, 8 3 जो 24 प्लस 2 26 2 कैरी आ गए, 3 2 जो 6 प्लस 2 8 6 4, माइनस करेंगे 6, 9 में से 6 3, 9 में से 8 1, कंप्लीटली डिविजिबल हमारे पास 3 टाइम्स, लेकिन रिमाइंडर अभी हमारे पास 136 बचा। इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो सकता था हमारे पास फोर डिजिट नंबर, तो
कितने की जो इसमें रिक्वायरमेंट पड़ रही थी कम्प्लीटली डिवाइड होने पर 288 में माइनस करें रिमाइंडर को तो देखिए 288 में से 136 माइनस करने पर 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 2 में से 1 माइनस करेंगे 5, 152 अभी बच रहा था हमारे पास नंबर। अगर 152 अगर इसमें 1000 को प्लस होता तो गिवन नंबर तो हमारे पास ये कंप्लीटली डिविजिबल हो सकता है। तो इसका मतलब 4 डिजिट नंबर जो मिनिमम है हमारे पास उसमें देखिए रिमाइंडर को सबसे पहले माइनस किया, ठीक है 152, 1000 में अगर हम प्लस कर दें 152 तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 1000 में 152, 0 प्लस 2, 2, 5 प्लस 0, 5, 1 प्लस 0, 1 एंड 1 का 1, 1152 अगर हमारे पास नंबर होता तो ये कम्प्लीटली एलसीएम वाले नंबर से डिविजिबल हो जाए। अगेन समझ लो, सबसे पहले गिवन नंबर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें फाइंड करना है, गिवन नंबर्स का हमने एलसीएम फाइंड किया 288, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 1000 होता है, 1000, 1000 में 288 का डिवाइड किया कम्प्लीटली 3 टाइम डिविजिबल हो गया। देखिए रिमाइंडर क्या बच गया 136, इसका मतलब है 136 अगर हम माइनस कर तो कितने नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी इसको कम्प्लीटली डिविजन होने में 152। तो कहने का मतलब है अगर हम 1000 में 152 प्लस करते तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता 4 टाइम्स। तो मिनिमम 4 डिजिट नंबर ये है 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर 1152 जिसमें 18 का भी डिवाइड जा रहा है, 24 का भी डिवाइड जा रहा है और 32 का भी डिवाइड जा रहा है, दैट इज आंसर।